Welcome to my class, students. We are doing English Moments, and the chapter is The Beggar, and it's the summary of the chapter. Now, author के बारे में हम जान लेते हैं. Anton Chekhov. तो Anton Pavlovich Chekhov, उनका born हुआ. He was born on 29 January 1860, Russia में, and he died on 15 July 1904, Germany. आपको पता है Chekhov की कहानियाँ कितनी famous है? Was a Russian playwright. वो Russian प्ले राइट थे, नाटक लिखते थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और वो छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे. ही वॉज बॉर्न इन टू फैमिली ऑफ मॉडेस्ट मीन्स, वो बहुत अमीर घर में नहीं जन्मे थे, बट ही रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, लेकिन उनको बहुत अच्छी उनकी तालीम भी थी, बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा उनको मिली थी. स्टडीड मेडिसिन एट मॉस्को यूनिवर्सिटी, उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी मॉस्को यूनिवर्सिटी से, एंड ग्रेजुएटेड एज ए फिजिशियन इन 1884, और एज ए फिजिशियन 1884 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया. द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिज कंप्लीट वर्क्स आर पब्लिश्ड बिटवीन 1900 एंड 1903. तो 1900 से 1903 के बीच में उनका फर्स्ट कंप्लीट वर्क्स जो है, एडिशन ऑफ कंप्लीट वर्क पब्लिश हुआ. ही इज कंसीडर्ड टू बी अमंग द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन इन हिस्ट्री. तो जो ग्रेटेस्ट राइटर्स हैं शॉर्ट फिक्शन के, उनमें वो शामिल है. हिज करियर एज अ प्ले राइट हैज प्रोड्यूस 4 क्लासिक्स, उन्होंने 4 क्लासिक उन्होंने लिखे हैं, एंड हिज बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज आर हेल्ड इन हाई स्टीम बाय राइटर्स एंड क्रिटिक्स. उनके जो शॉर्ट स्टोरीज है उनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है राइटर्स और क्रिटिक्स के द्वारा. ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ एंटन चेकफ, कौन कौन से इनके बहुत महान महान कृति हैं देख लो. द स्टेपे, वार्ड नंबर 6, अंकल वेनिया, द चेरी ऑर्चर्ड, थ्री सिस्टर्स, ऑन ट्रायल, द डार्लिंग, द बेट, वैंका, आफ्टर द थिएटर एंड मेनी मोर. ही हैज एनरिच्ड लिटरेचर विद हिज प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल एंड अ बायोग्राफी. उन्होंने प्लेज लिखा, शॉर्ट स्टोरीज लिखा, नॉवेल भी लिखा और बायोग्राफी भी लिखी. ये है हमारे चेकफ. चलो स्टोरी पढ़ते हैं. अ प्रॉस्पेरस लॉयर सर्गेई एनकाउंटर्ड अ रैट बेगर, अ पुअर हंग्री मैन. ये जो एक लॉयर है बहुत ही प्रॉस्पेरस है, बहुत ही अमीर है, उनका नाम है सर्गेई. एक दिन वो किससे उनकी मुलाकात हुई, एक बेगर से जो रैट है, पुराने कपड़ों में है. बेगर कैसे दिखते हैं, वैसा ही है, जो बहुत पुअर है और हंग्री है. फॉर 3 डेज ही हैड नथिंग टू ईट, 3 दिनों से उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था. नॉट इवन 5 कॉपेक्स, जो कि रशियन कॉइन्स होते हैं, फॉर अ लॉजिंग, और कहीं ठहरने के लिए उसके पास 5 कॉपेक्स भी नहीं थे. ही क्लेम टू बी अ विलेज स्कूल टीचर फॉर 8 ईयर्स एंड वॉज फायर्ड अनजस्टली फ्रॉम हिज जॉब. तो आपको मैं ये बता दूं कि जब भी कोई होते हैं बहुत ज्यादा वो दूसरों की जीवन में, वो जीवन के बारे में जानकारी लेना पसंद करते हैं, तो ये जो लॉयर था वो भी बातचीत करने लगा बेगर से, और उसको पता चला, बेगर ने खुद बताया कि वो एक स्कूल टीचर हुआ करता था 8 साल तक, और उसको बिना किसी कारण के अनजस्ट वे से उसे निकाल दिया गया. सर्गेई हाउएवर रिमेम्बर दैट ही सॉ द सेम मैन द अदर डे. लेकिन सर्गेई वो तो लॉयर है, बड़ी पारखी नजर है, तो उनको समझ में आ गया कि मैंने द अदर डे कुछ दिन पहले ही इसे देखा है. व्हेन ही हैड क्लेम्ड टू बी एन इम्पॉवरिश स्टूडेंट, और उस समय इसने अपने आप को एक गरीब स्टूडेंट बताया था. द बेगर लश्कोव, अब बेगर का नाम क्या है, लश्कोव, ब्रोक डाउन. तो उन्होंने कहा, तुम तो कल अपने आप को स्टूडेंट बता रहे थे, आज तुम अपने आप को स्कूल टीचर बता रहे हो. तो जो लश्कोव था, जो बेगर था, वो घबरा गया और उसने क्या एडमिट किया, That he was simply a drunk without work. उसको शराब की लत है और वो बिना किसी काम के है, उसको काम नहीं मिल रहा है क्योंकि उसकी लत के कारण उसको कोई रखना नहीं चाहता. सर्गेई ऑफर्ड हिम अ जॉब ऑफ चॉपिंग वुड. तो सर्गेई ने कहा कि ठीक है, मेरे घर चलो, वहां वुड चॉपिंग का काम है, वो तुम करो. विच ही रिलक्टेंटली एक्सेप्टेड. तो उसको उसने एक्सेप्ट तो किया बेगर ने, लेकिन बहुत ही बेमन से एक्सेप्ट किया. नॉट बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क. और उसने किस लिए एक्सेप्ट किया, इसलिए नहीं कि वो बहुत भूखा था या उसके पास कोई काम नहीं था, बल्कि उसने इसलिए एक्सेप्ट किया फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स. क्योंकि
उसने देख लिया था, सर्गेई को पता चल गया कि वो कितना झूठ बोलता है, तो उसको बहुत अपने आप पर शर्म आ रही थी और इसीलिए और वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था, इसीलिए उसने क्या किया, चॉपिंग वुड का काम एक्सेप्ट किया। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वुडका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। उसकी जो चाल ढाल से पता चल रहा था, उसके गेट से पता चल रहा था कि उसकी जितनी भी शरीर की जो हिम्मत थी वो वोडका ने पहले ही उसकी निकाल दी थी, क्योंकि जिनको शराब की लत लगती है वो अपने स्ट्रेंथ को खो देते हैं और वो बहुत ही अनहेल्दी है और उसमें लेबर करने की, मेहनत करने की, टॉयल करने की जरा से भी इच्छा नहीं है। ओल्गा द कुक टुक लश्कोव आउट एंड शोड इन द वुड स्टैक। तो जब वो घर गए दोनों, सर्गेई ने अपने कुक को बुलाया ओल्गा को और उसको कहा लश्कोव को लेकर जाओ और उसे जगह दिखाओ जहां पर लकड़ी काटने का काम हो रहा है। तो वो उसको लेकर गई। सर्गेई सॉ ओल्गा ग्लेयर रेथफुली एट हर कंपेनियन और सर्गेई ने देखा कि ओल्गा जो है बहुत गुस्से से देख रही है उसको, लश्कोव को। शॉप दी मसाइड विद एल्बो, अपने एल्बो से उसको धक्का देके अंदर लेके जा रही है। अनलॉक द शेड, शेड को उसने अनलॉक किया एंड एंग्रीली बैंग द डोर और बहुत गुस्से से उसने डोर बंद किया। नेक्स्ट ही सॉ दैट द बेगर इररेजोल्युटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड्स टुवर्ड्स हिम। फिर उसने क्या देखा सर्गेई ने कि जो बेगर है लश्कोव है उसने क्या किया, जो लकड़ी का जो बिलेट है उसको अपनी तरह पुल किया, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट और दोनों पाओ के बीच में उसको सेट किया, अरेंज किया एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स और कुल्हाड़ी से बड़े कमजोर हाथों से वो उसे टैप करने लगा। सर्गेई बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी। तो ये देखे सर्गेई को ना थोड़ा दुख हुआ एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ और खुद पे थोड़ी शर्म भी आई फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंक एंड परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मेनुअल लेबर इन द कोल, कि उन्होंने एक ऐसे शराबी इंसान को जो कि स्पॉइल्ड हो चुका है और जो कि बीमार भी है कि इस ऐसे कठिन काम में उसको लगाया कि चॉपिंग उठ करें और वो भी ठंड में। एंड आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस्ड दैट वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। तो एक घंटे बाद ओल्गा आई और उसने कहा कि सब लकड़ियां कट चुकी हैं। सर्गेई गेव द बेगर हाफ अ रूबल, तो सर्गेई ने उस बेगर को हाफ अ रूबल दिया। आफ्टर दैट लश्कोव रिटर्न फ्रिक्वेंटली टू डू ऑड जॉब्स टू शॉवल स्नो, टू पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, टू बीट द डस्ट आउट ऑफ रॉक एंड मैट्रेस। उसके बाद जो लश्कोव था वो आता ही रहता था हर और जॉब के लिए, जैसे अगर स्नो हटाने का काम हो या फिर वुड शेड को ऑर्डर करना हो जहाँ पे लकड़ियां रखी जाती है वो करीने से सजाना हो या फिर रॉक से डस्ट निकालना हो, मैट्रेस से डस्ट निकालना हो, तो वो आता रहता था। When Sergey moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. फिर जो सर्गेई है वो दूसरे घर में मूव किया तो उसने फिर से लश्कोव को हायर किया कि भाई फर्नीचर सेट करने में, पैकिंग करने में तुम आ जाओ, मदद कर दो। This time लश्कोव was sober, gloomy and silent. इस समय जो लश्कोव था वो थोड़ा sober दिख रहा था, थोड़ा gloomy था, दुखी था और चुप रहता था। And eventually Sergey set him up with a clerical position. और जब उसमें ये उसने देखा, सर्गेई ने उसमें थोड़े से चांसेस देखे इम्प्रूवमेंट के, तो उसने उसके लिए क्लैरिकल जॉब अरेंज किया। ही एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू ड्रिंक, और उसको बोला अब तुम हार्ड वर्क करो और शराब मत पीना। टू इयर्स लेटर सर्गेई सॉ द फॉर्मर बेगर एट द थिएटर हु बिकेम अ नोटरी। दो साल बाद सर्गेई ने उस बेगर को देखा, लश्कोव को देखा एक थिएटर के पास और वो अब एक नोटरी बन चुका है and was paid 35 rubles a month, और एक महीने में उसको 35 rubles मिल रहे हैं। He prided himself for having saved Lashkov from a life. तो सर्गेई को अपने पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने लश्कोव की लाइफ को सेव किया उसके ड्रंकननेस से, कि अब वो शराब पीना छोड़ चुका है और अब वो काम कर रहा है, उसको 35 rubles a month मिल रहे हैं। तो वो अपने आप पर सर्गेई को बहुत ज्यादा अभिमान हुआ, गर्व हुआ। लश्कोव थैंक्ड हिम एंड रिवील्ड दैट इट वाज ओल्गा हु सेव्ड हिम। लेकिन लश्कोव ने उसको थैंक यू तो बोला, लेकिन क्या कहा, ये ओल्गा है जिसने उसके जीवन को बचाया। शी चॉप्ड द वुड
लस्कोफ ने कभी कोई उच्च जॉब नहीं किया, वो ओल्गा करती थी उसके लिए। एंड द कंपैशन ही शोड लेड टू अ चेंज इन हिज हार्ट। और उसने जो दया दिखाई लस्कोफ के हालत को लेकर, उसके शराब पीने की लत के कारण जो उसकी बुरी सी गत हो रखी है कि उसको अब कोई काम नहीं देगा, क्योंकि लत जब तक रहेगी वो ध्यान से काम नहीं करेगा, तो उसने जो कंपैशन दिखाया, इन सब चीजों ने क्या किया, लस्कोफ के हृदय को बदल दिया। हाउ वर्स दैट ही वाज एन अनलकी मैन, वो कहती थी कि तुम कितने अनलकी मैन हो। एंड दैट देयर वाज नो प्लेजर फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड, और उसके लिए इस दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है। एंड देयर वुड बी नन इन द वर्ल्ड टू कम एज ही वाज अ ड्रंकर, और उसकी सहायता के लिए कोई भी इस दुनिया में आगे नहीं आएगा क्योंकि वो एक शराबी है। बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ही वुड बर्न इन हेल, और उसके शराब पीने की आदत के कारण वो हेल में वो बर्न होगा, उसको नरक भुगतना पड़ेगा। एंड वुड रिमेन अनहैप्पी, और इसके लिए वो हमेशा अनहैप्पी रहेगा। ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, और ये वर्ड्स सुनकर, और वो जो ओल्गा उसके लिए जो चॉपिंग द वुड करती थी, उस सब देखकर अ चेंज टुक प्लेस इन हिज हार्ट, तो लस्कोफ के हृदय में एक चेंज आया। सी सेट हिम राइट एंड ही वुड नेवर फॉरगेट हिम, तो उसको सही रास्ता किसने दिखाया, सर्गेई ने नहीं दिखाया, ओल्गा ने दिखाया, और वो उसको कभी नहीं भूलेगा। तो ये जो कहानी है एंड ऑफ चेकऑफ की, जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको भी एक बहुत सरप्राइज फील होगा, क्योंकि आप भी यही सोच रहे हो कि सर्गेई ने तो सब कुछ किया, लेकिन जब कहानी के अंत में जब लस्कोफ रिवील करता है कि इट्स ओल्गा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे बहुत ही आराम से साइलेंटली ओल्गा ने इसकी मदद की, और बिना ये जताए कि वो उसकी मदद कर रही है, उसने इतना बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में ला दिया। सो व्हाट हैव वी लर्न्ड, वी हैव लर्न्ड द समरी ऑफ द स्टोरी, प्लीज गो थ्रू द एंटायर चैप्टर, बहुत अच्छी कहानी है। और इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सेम चैप्टर। थैंक यू।